सुपर किंग 99 का स्कोर दिया है टारगेट, और किंग्स 11 का स्ट्राइक बैटमैन है मट्टू और नन स्ट्राइक पहमून है सिंटू, चले मट्टू के लिए आते ही प्रहार करना चाहते हैं मट्टू, लेकिन बीट हुए। फिर एक बार सिंटू चले मट्टू के लिए और मट्टू ने यहाँ पे खेल दिया है 4 रन, और इस 4 रन के साथ अपना खाता खोला और अपने टीम का खाता खोला मट्टू ने। फिर सिंटू चले और यहाँ पे खेल दिया है फील्डर के क्षेत्र में 6, और इस चौके के साथ किंग्स 11 का स्कोर हुआ 10 रन। 99 के चक्कर में उतरी है किंग्स 11 और बहुत सिंटू के हाथों में सिंटू तैयार। सिंटू चले मट्टू के लिए और मट्टू ने फिर खेल दिया है और फील्डर तक आसानी से 1 रन पूरा किए और इस 1 रन के सहायता से किंग्स 11 का स्कोर 11 रन। पहला ओवर के प्रगति पे 11 रन। स्ट्राइक पे आए हैं मुन्ना 09 के जर्सी में, और अभी तक मुन्ना अपना खाता खोलना बाकी। सिंटू चले मुन्ना के लिए और मुन्ना ने यहाँ पे जमीनी शॉट खेल दिया, 1 भी रन नहीं। बॉल सिंटू के हाथों में और फिर सिंटू तैयार। सिंटू चले मुन्ना के लिए और मुन्ना ने यहाँ पे आसानी से ढकेल दिया और फील्डर मौजूद, 1 भी रन नहीं। गेंद को सम्मान दिए और इस तरह से 11 रन की समाप्ति पे 1 ओवर का पावर प्ले का दूसरा ओवर लेके आए हैं रोहित। सामना करेंगे मट्टू जो कि पिछले ओवर में छक्के और चौके लगा के स्ट्राइक पे हैं, लंबे रन आपके साथ। रोहित तैयार मट्टू के लिए और रोहित चले और यहाँ पे मारने की कोशिश में बीट हुए मट्टू। फिर से बॉल रोहित के हाथों में और रोहित और मट्टू यहाँ पे खेल दिए है और मिसफील्ड हुआ और इस मिसफील्ड के 1 रन। इस 1 रन के साथ किंग्स 11 का स्कोर 12 रन। 12 रन के साथ स्ट्राइक पे आए हैं मुन्ना, सामना करेंगे रोहित का। फिर एक बार रोहित चले मुन्ना के लिए और कस्टम से काफ़ी बाहर गेंद वाइड, इस वाइड के साथ स्कोर 13 रन। फिर से रोहित तैयार, रोहित चले मुन्ना के लिए और मुन्ना ने यहाँ पे खेल दिया है 4 रन। पॉइंट की दिशा में मुन्ना ने खेल दिया है 4 रन। इस चौकों के साथ किंग्स 11 का स्कोर 17 रन। फिर रोहित चले मुन्ना के लिए और मुन्ना ने यहाँ पे उठा के खेल दिया है नो फील्ड, वहाँ पे फील्ड डाउन के क्षेत्र में 4 रन। बैक टू बैक बाउंड्री लगा के खेल रहे हैं मुन्ना और फिर रोहित चले मुन्ना के लिए और मुन्ना ने यहाँ पे ढकेल दिया और फील्डर मौजूद, 1 भी रन नहीं। इस रन फिर रोहित चले मुन्ना उठा के खेल दिए हैं, देखना होगा कि, और ये काफी बाउंड्री से दूर बॉल और 6 रन। इस 6 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति पे किंग्स 11 का स्कोर 27 रन और पावर प्ले का लास्ट ओवर लेके आएंगे सिंटू। तीसरा ओवर प्रगति पे आए हैं सिंटू। सिंटू चले मट्टू के लिए और मट्टू ने भी उठा के खेल दिया है, नीचे फील्डर मौजूद और देखना होगा, और ये 6, 6 रन।
और फिर सिंटू चले और यहाँ पे मिस फील्ड हुआ और बाई के रूप में 5 रन। फिर एक बार सिंटू चले मटरू के लिए और मटरू ने उठा दिया है और नीचे फील्डर मौजूद और देखना होगा और कैच, मटरू को वापस जाना होगा 1 विकेट के नुकसान पे 37 रन किंग्स 11 का। फिर सिंटू विकेट के क्षेत्र में पुश किए रिंकू जाते, मटरू का आउट होने के बाद आया है रिंकू 2 नंबर की जर्सी में जो कि काफ़ी सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हैं रिंकू। फिर से बॉल सिंटू के हाथों में और पावर प्ले की मात्र 2 बॉल बाकी। फिर चले सिंटू रिंकू के लिए और यहाँ पर ढकेल दिया है फील्डर मौजूद 1 भी रन नहीं। और फिर पावर प्ले का अंतिम ओवर लेके आए हैं और ये एज लग गया शायद रिंकू जादव को वापस जाना होगा। चौथा ओवर लेके आए रोहित, सामना करेंगे मुन्ना लंबे रन आपके साथ। रोहित चले मुन्ना के लिए और यहाँ पे खेल दिया है मुन्ना ने 4 रन। मैच को जीतना है तो मुन्ना को रहना पड़ेगा यहाँ। और यहाँ पे 1 रन। सोनू आए हैं बैटिंग पे, रोहित चले सोनू के लिए और आते ही रोक के खेले 43 रन किंग्स 11 का स्कोर। रोहित चले सोनू के लिए लंबे रन अप के साथ, रोहित एक बार फिर सोनू के लिए और काफी स्टंप से बाहर गेंद वाइड और फिर बॉल रोहित के हाथों में। रोहित चले सोनू के लिए और सोनू ने यहाँ पे हल्का सा पुश किया और मुन्ना ने मना किया 1 भी रन नहीं। फिर एक बार रोहित तैयार, रोहित चले सोनू के लिए और सोनू ने बहुत ही लंबा शॉट खेल दिया और यहाँ पे 6 रन। सोनू ने अपने छक्कों से खाता खोला है। इस छक्कों के साथ किंग्स 11 का स्कोर 49 रन 4 ओवर के नुकसान समाप्ति पे 1 विकेट। अगले बॉलर आए हैं राम प्रसाद और बैट्समैन मुन्ना। राम प्रसाद चले बॉलर के लिए मुन्ना के लिए और ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद वाइड। इस वाइड के साथ स्कोर 50 रन। फिर चले राम प्रसाद एक बार मुन्ना के लिए और बीट कराए 1 बाउंस। फिर राम प्रसाद चले मुन्ना के लिए और मुन्ना ने उठा के खेल दिया है और देखना होगा फील्डर मौजूद और
आसानी से एक रन चुरा लिए मुन्ना और स्ट्राइक पे होंगे सोनू। और सोनू ने तगड़ा शॉट, जानदार शॉट लगा दिया और स्कूल पार 6 रन के लिए। लगातार 2 बॉल पे 2 छक्का लगाए हैं सोनू ठाकुर के मदद से। किंग्स 11 का स्कोर 57 रन। फुल मूड में सोनू और आगे थोड़ा सा बहुत शॉट होता राम प्रसाद चले सोनू के लिए। और सोनू ने फिर उठा के खेल दिया है हैट्रिक छक्का। और सोनू ने यहाँ अपना हैट्रिक छक्का लगा दिया, बैक टू बैक 6 लगा के खेल रहे हैं सोनू 7 नंबर की जर्सी में। फिर राम प्रसाद और बॉल बीट हुआ, फिर बॉल राम प्रसाद के हाथों में, सोनू तैयार राम प्रसाद के लिए। और फिर खेल दिया है स्टेट ड्राइव, देखना होगा। और फील्डर ने आसानी से गेंद को फील्ड किया, तब तक सोनू ने अपना 1 रन पूरा किया। 1 रन के सहयोग से किंग्स 11 का स्कोर 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। रोहित आए हैं अपने टीम के लिए और जड़ में बॉल यार कर सोनू समझ नहीं पाए। जितने तगड़ा रोहित फेंकते हैं उतने ही तगड़ा सोनू बैट चलाते हैं। तो ये मैच रोहित वर्सेस सोनू के बीच, रोहित चले सोनू के लिए। और यहाँ पे यॉर्कर को सोनू ने आसानी से खेल दिया है, वहाँ पे फील्डर है और गेंद को फील्ड किया और तब तक सोनू ने 1 रन चुरा लिए। स्ट्राइक पाए हैं मुन्ना, बॉल रोहित के हाथों में। फिर रोहित चले मुन्ना के लिए और गेंद पटक दिया था और नीचे फील्डर मौजूद। और इस तरह से मुन्ना को वापस जाना होगा। और इस तरह से किंग्स 11 का 3 विकेट, पवेलियन वापस 3 विकेट के नुकसान पे किंग्स 11 का स्कोर 65 रन। बॉल रोहित के हाथों में, नए बैट्समैन सनीश आए हैं, रोहित चले अनिश के लिए। और अनिश ने आते ही खेल दिया है 1 रन, 1 रन के साथ अपना खाता खोले। स्ट्राइक पे है सोनू और यहाँ पे रोहित चले सोनू के लिए। और आसानी से खेल दिया है सोनू समझदारी के साथ 4 रन। फिर रोहित चले सोनू के लिए और सोनू ने यहाँ पे ढकेल दिया है गेंद को और इस तरह से ओवर समाप्त। किंग्स 11 का 6 ओवर के समाप्ति पे 70 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 7वां ओवर लेके आए हैं सिंटू, जो कि सामना करेंगे अनिश। और यहाँ पे ढकेल दिया, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। 17 रन, 3 विकेट के नुकसान पे किंग्स 11। फिर चले सिंटू और यहाँ पे देखना होगा अनिश आउट, आउट करार दिया गया अनिश, अनिश को वापस जाना होगा। न्यू बैटमैन रुस्तम आए हैं, सिंटू चले रुस्तम के लिए। और रुस्तम ने आते ही सूझबूझ के साथ 1 रन से अपना खाता खोले और आए हैं स्ट्राइक पे सोनू। बॉल सिंटू के हाथों में, सिंटू चले और यहाँ पे खेल दिया है उठा के नीचे, फील्डर मौजूद और मिस कैच हुआ। तब तक यहाँ पे 2 रन चुरा लिए सोनू ने।
तीसरा रन भी लेना चाहते हैं लेकिन सोनू ने मना किया। इस दो रन के सहायता से किंग्स इलेवन का स्कोर 77 रन। फिर सिंटू सोनू के लिए और सोनू ने लंबा मारना चाहा लेकिन बीट हुए। बॉल सिंटू के हाथों में, फिर चले सिंटू सोनू के लिए और सोनू ने हाथों खेल लिया है और कैच ड्रॉप हुआ सोनू का और इस तरह से सोनू ने एक रन बटोर लिया अपने टीम के लिए। इस एक रन की सहायता से स्कोर 78। अगला बॉलर रमेश आए हैं, सामना करेंगे सोनू और खेल दिया है स्टेट ड्राइव जमीनी शॉट और एक रन के साथ। और फिर रुस्तम तैयार, आगे खेल दिया है, नीचे फील्डर मौजूद और ये कैच ड्रॉप हुआ इस तरह से रुस्तम का एक रन और बाई के रूप में और एक रन चुराए 77 रन। फिर एक बार रमेश रुस्तम के लिए और रुस्तम ने ढकेल दिया और आसानी से एक रन चुराए और इस एक रन के मदद से स्कोर 78 रन। फिर रमेश सोनू के लिए और सोनू खेल दिया स्टेट ड्राइव और फील्डर मौजूद और आसानी से गेंद को फील्ड किया और मिस फील्ड 4 रन। और ये सुपर किंग्स का गढ़ा फील्डिंग का प्रदर्शन, एक रन के जगह पे 4 रन दे रहे हैं और फिर रमेश चले सोनू के लिए और सोनू ने उठा के खेल दिया स्टेट ड्राइव 6। ये हेलीकॉप्टर उड़ाना जानते हैं सोनू, जबरदस्त छक्का लगाए हैं अभी। लक्ष्य अब दूर नहीं, फिर बैक टू बैक 6 लगा के खेल रहे हैं अभी सोनू और इस तरह से किंग्स इलेवन का स्कोर 94 रन जीत के लिए और 5 रन और रुस्तम स्ट्राइक पे। देखना होगा कि रुस्तम अपने टीम को छक्का या चौका से कैसे जीत कराते हैं, किसके बैट से मैच जीतता है किंग्स इलेवन। और फिर एक बार राजेश जो कि बैटिंग अच्छा किए हैं, देखना होगा कि उतना ही अच्छा बॉलिंग कर पाते हैं नहीं। फिर एक बार राजेश चले रुस्तम के लिए और रुस्तम ने बॉल को देखा और जाने दिया। फिर रुस्तम तैयार राजेश के लिए और ये खेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में और आसानी के साथ एक रन। यहाँ से सोनू स्ट्राइक पाए हैं और जीत के लिए मात्र 4 रन की जरूरत किंग्स इलेवन को। देखना होगा कि सोनू छक्के से जीत कराते हैं या चौके से। सोनू हैट्रिक पे भी है और हैट्रिक छक्का के साथ सोनू ने मैच को जीत करा दिया और यहाँ पे किंग्स इलेवन ने सुपर किंग्स को हरा दिया। बहुत ही शानदार जीत सोनू का बैट से और छक्कों के साथ यहाँ पे मैच जीत लिया किंग्स इलेवन।